तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैन कार्ड आप कैसे घर बैठे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं स्टेप बताऊंगा, बस आपको वो फॉलो करने हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के पास शेयर भी कर दें। दोस्तों, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल सर्च करना है, ठीक है। इनकम टैक्स यानी गूगल में आपको क्या सर्च करना है, इनकम टैक्स इंडिया, और सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे नीचे आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद में ये आया, फिर इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है, यानी कि इस वाले लिंक पर आपको दोस्तों ये जो खुल गया है, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, स्टेप टू में आगे आपके सामने इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप क्लोज बटन या कंटिन्यू टू होम पेज पर क्लिक करना होगा, यानी इस वाले पर, ठीक है, जैसा कि नीचे फोटो में आपको दिख रहा है यहाँ पर, या फिर आप इस पे कंटिन्यू टू होम पेज, इन दोनों में से किसी भी लिंक पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में स्टेप थ्री की बात आएगी। अब आपके सामने भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों बाएं तरफ मेन्यू, ठीक है, इंस्टेंट पैन थ्रू आधार लिंक पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसा नीचे फोटो में यहाँ पर आप सभी ये देख रहे हैं, देखिए जरा, इंस्टेंट पैन थ्रू आधार न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, यानी इस वाले पोर्शन में दोस्तों आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों स्टेप फोर में आपको क्या करना है, जब आपके सामने आधार से तुरंत पैन कार्ड बनाने की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको गेट न्यू पैन, ठीक है, बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, देखिए जरा, गेट न्यू पैन, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में स्टेप फाइव में आपको क्या करना है, देखिए, गेट न्यू पैन पर क्लिक करते ही आपको आपका आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के लिए बोला जाएगा, जैसा कि नीचे फोटो में बोला गया है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर या कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बी ऑप्शन पर यानी कि आई कंफर्म पर टिक करना है। आई कंफर्म पर टिक करने के बाद में जनरेट आधार कार्ड ओटीपी बटन पर दोस्तों क्या करना है, क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये वाला पोर्शन दिख रहा ना, ये वाला आई कंफर्म, ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा नीचे वाले ऑप्शन में, और क्लिक ऑन ओटीपी यानी जनरेट ओटीपी इस पिक्चर के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों स्टेप सिक्स में आपको क्या करना है, जब आपके आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, ठीक है, जिसमें 6 अंकों का ओटीपी होगा, खाली बॉक्स में ओटीपी डालकर आई एग्री बटन पर क्लिक करके क्या करना है दोस्तों, वैलिडेट आधार कार्ड ओटीपी कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, जैसा कि ये रहा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को वो जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर गया है वो ओटीपी यहाँ पर डालना है, और वैलिडेट आधार कार्ड ओटीपी कंफर्म आपको यानी कंटिन्यू कर देना है। स्टेप सेवन में दोस्तों ओटीपी वैलिड करते ही आपके सामने आधार कार्ड वाले व्यक्ति का सभी डिटेल्स खुल जाएगा जो उसके आधार कार्ड में होगा। आपको सब कुछ ठीक से चेक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करते हैं, मतलब करना है उसको, नीचे आइए एक्सेप्ट दैट बटन पर क्लिक करके आपको उसके नीचे बाएं सबमिट पैन रिक्वेस्ट पर बटन जो आता है दोस्तों उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आई एक्सेप्ट और यहाँ पर सबमिट पैन रिक्वेस्ट पर टिक आपको दोस्तों दोनों कॉलम पर करना है। इसके बाद में स्टेप एट आपसे कराएगा, जब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आएगा जिस पर लिखा होगा थैंक यू, मतलब थैंक यू वी आर वैलिडेटेड योर डिटेल्स, उसके ठीक नीचे आपका एक्नॉलेज नंबर या फिर से कहिए पैन कार्ड रिक्वेस्ट नंबर भी दिखेगा। आपको यह नंबर कहीं लिख कर रख लेना है या फिर इसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब आपको 10 मिनट के मतलब अब आपको दोस्तों क्या करना है, 10 मिनट इंतज़ार करना है और फिर नीचे चेक स्टेटस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर चेक स्टेटस जो दिख रहा है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और इस पर चेक स्टेटस पर आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, चेक करना है स्टेटस को। 10 मिनट के बाद जब स्टेटस चेक आप करेंगे, ठीक है, या फिर उस पर क्लिक किया जाएगा, तब तक आपका पैन कार्ड बन गया होगा। अब आपको इसे डाउनलोड करना है, स्टेप 9 चेक करना है, देखिए कैसे। चेक स्टेटस पर क्लिक करते ही आपके सामने पैन कार्ड डाउनलोड
का कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर सॉरी आधार कार्ड नंबर डालना होगा और कैप्चा कोड भरना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जैसे नीचे फोटो में दे रखा है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेप 10 में आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करते ही फिर से आपके सामने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसे आप खाली बॉक्स में डालना और फिर से सबमिट बटन पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो OTP गया है उसे डालना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेप 11 देखिए, जब आपके सामने डाउनलोड पैन का एक बटन आ जाएगा जिस पर क्लिक करने पर आपको अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर लेना है और जैसा कि नीचे आपको फोटो में दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या होगा डाउनलोड पैन करने के लिए बोलेगा, तो आपको डाउनलोड कर लेना है उसे। पैन कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इस पैन कार्ड को PDF फाइल में ओपन कीजिएगा, ठीक है, आपको ये जो पैन कार्ड है वो PDF फाइल में ओपन करना है, तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और इसके लिए आपको पासवर्ड पूछेगा जैसा नीचे फोटो में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, तो आपको अपना जो पासवर्ड है दोस्तों अपना जन्मतिथि डालना है। जैसे कि यदि आपकी जन्मतिथि इस प्रकार है 9 मई 1999, तो आपको इस टाइप से डालना है 9/5/1999। स्टेप 13 में आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपना पासवर्ड के रूप में जिसका पैन कार्ड बना है उसकी जन्मतिथि डालेंगे तो आपके सामने वह PDF खुल जाएगी, उसमें नीचे जाने पर उसका ई पैन कार्ड दिखेगा जैसा कि नीचे फोटो में दिख रहा है, ठीक है। प्रिंट भी आप इसका ले सकते हैं। मोबाइल से ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बनाएं दोस्तों, ठीक है, ये आप सभी को पूरे 13 स्टेप्स में बताया गया है फ्री में 10 मिनट में पैन कार्ड बनाने के लिए। दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ 13 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने, बस यहाँ से टिक प्रिंट आउट ऑफ एनीवेयर, तो आपको इस पर टिक करना है और अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये था फ्री में पैन कार्ड बनाने का एक आसान तरीका। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर